ये देखो हमारे घर पे कौन नया मेहमान आया है, वो आप लोग देख सकते हो। तो ये है एप्पल की स्मार्ट वॉच। बहुत टाइम से हमको इंतज़ार था ये वॉच का, तो फाइनली आ गया। और बस यारिश और पथिक दोनों इसमें ही लगे पड़े सब कुछ सेटअप वगैरह करने में। तो बहुत एक्साइटेड है, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। एक्चुअली पर्सनली मुझे एप्पल की सब चीज़ें अच्छी लगती है। स्टेबिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा रहती है, चाहे उसका फ़ोन हो या वॉच हो या कुछ भी उसकी प्रोडक्ट हो। तो मुझे एप्पल की सब चीज़ें पसंद है, और यस पथिक को भी बहुत पसंद है। तो बस चलिए आगे आगे सेटअप करते हैं इसका। और यस आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि वॉच आ गई थी तो एक्साइटिंग बहुत था हमारा। तो चलिए आगे आगे देखते हैं। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड हमारा वीकेंड स्टार्ट हो गया है, आज है फ्राइडे और अभी हो रहे 7 o'clock। और यस अभी हम लोग निकल रहे हैं डिनर के लिए। तो कैसा है कि 7 o'clock पर निकलते हैं ना तो हमको सीट मिल जाती है, नहीं तो फ्राइडे सैटरडे संडे को है ना बहुत पैक रहता है रेस्टोरेंट आफ्टर 8 या 8:30 o'clock के अराउंड। तो बस अभी हम लोग निकल रहे हैं और वहां पे जाके मिलते हैं आपको। और यस यारिश को रेडी होना बाकी है और यारिश रेडी हो जाएगा, उसके बाद हम लोग निकलेंगे डिनर के लिए। राइट यारिश, चलिए मिलते हैं बाद में। हम लोग अभी डिसाइड कर रहे हैं कि दिवाली में कहीं कहाँ पे जा पाए, क्योंकि अभी जो पुणे के आसपास जो भी है वो हमारा मोस्टली सब कुछ एक्सप्लोर हो गया है। लेकिन हमारा रिलेटिव्स नहीं मतलब कजिन्स आ रहे हैं, तो उन लोगों को हम लोग मतलब साथ में जाने वाले हैं। तो फिर सोच रहे कि कहाँ पे जाए, तो वो डिस्कशन चल रहा है कि माथेरान, महाबलेश्वर, फिर लोनावाला। तो बहुत टाइम बहुत बार जाके है लोनावाला, तो वो तो मन नहीं है अभी लोनावाला का। तो वही सोच रहे लवासा भी लास्ट टू लास्ट ईयर वो लोग आए थे, तो हम लोग उन लोगों को लेके लवासा गए थे। तो अभी नेक्स्ट अभी और रिसेंटली हम लोग बीच पे जाके आए थे, इतना मन भी नहीं है बीच पे जाने के लिए और उन लोगों का मन है। तो अभी वो भी क्वेश्चन मार्क है कि कहाँ जाए। ऐसा है कि 1-2 दिन के ट्रिप के लिए बहुत सारे प्लेसेस है पुणे के आसपास। देवीगढ़ बीच और दापोली वो भी अच्छा है, तो वो भी लिस्ट में है। तो देखते आगे आगे। ये जगह है ना, प्लेस डेस्टिनेशन डिसाइड करना मतलब बहुत बड़ा टास्क रहता है, मेरे लिए तो बहुत बड़ा रहता है। व्हाट अबाउट यू पथिक? पथिक व्हाट अबाउट यू? करते कुछ डिसाइड, सोचना पड़ेगा। से मेरे को भी यही खाना पड़ता है, मसाला पापड़ और पट्टी को यही खाना पड़ता है क्योंकि मुझे यही पसंद है। यस तो हमारा खाना आ गया। ये यारिश की स्पेशल बटर चपाती है। ये मेरी मिस्सी रोटी, ये थोड़ा बहुत डाइट कर लेती हूँ इसके लिए। पथिक ने भी आज डाइट वाला फूड लिया है, मिस्सी रोटी और ये वेज सब्जी है। ये यारिश देखो,
हम दोनों ऑलवेज एक ही डिश में खाते हैं, है ना पति? बीच में एक ही डिश होती है हमारे लोगों की। चलिए अभी खाना शुरू करेंगे, बहुत भूख लगी, देख के ज्यादा भूख लग जाती है। पर के मालूम तू लाली तू लारिश मुके दे तो आजा सीख ले आजा बोले सुबह सुबह में उसको ये पीना है मैप्रो का स्ट्रॉबेरी और रोज का मिल्क शेक दोनों मिक्स करना है ऐसे बोल रहा है वो। हम लोग है डी मार्ट के अंदर और कर रहे हैं हम लोग दिवाली की शॉपिंग, ग्रोसरी शॉपिंग। स्लोली स्लोली ना करो, ये ना ले भाई, नो ब्लॉग में।